कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां मैं शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी लोगों के साथ अपना तिरुपति में श्री गोविंद राज स्वामी मंदिर तक का सफर दिखाया था। उसके बाद शाम को हम तिरुपति के इस्कॉन टेम्पल आ गए। इस्कॉन के श्री कृष्ण मंदिर पूरी दुनिया में स्थित है। वैसे तो भारत के लगभग हर पॉपुलर सिटी में इस्कॉन मंदिर है, लेकिन तिरुपति का इस्कॉन मंदिर स्पेशली पॉपुलर है इसकी आर्किटेक्चर, लोकेशन और म्यूजियम के लिए, जो डिवोटीज को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तिरुपति में यह मंदिर हरे रामा हरे कृष्णा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। हरे राम हरे कृष्ण रोड पर रामचंद्र नगर में स्थित इस्कॉन मंदिर तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। यह तिरुपति बस स्टैंड से लगभग 4 किलोमीटर दूर है और तिरुपति रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर के बिल्कुल सामने यह आपको एक ध्वजा स्तंभ देखने को मिलेगा, जो शायद गोल्ड प्लेटेड है। फिर उसके बाद यह आपको मंदिर का मेन एंट्रेंस मिलेगा, जिसके दोनों तरफ आपको दो बड़े ही खूबसूरत विग्रह देखने को मिलेंगे, जय और विजय, जो कि भगवान विष्णु जी के गेट कीपर्स हैं। फिर मंदिर के बिल्कुल अंदर घुसते ही आपको सबसे पहले यह तिरुपति बालाजी की एक बहुत ही खूबसूरत विग्रह देखने को मिलेगा, जो कि अपनी दो पत्नियों के साथ विराजमान है, माँ पद्मावती और माँ लक्ष्मी। उससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आपको एक गौ माता देखने को मिलेगी, जिसपे सभी देवी देवताओं की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। इसके बाद हम जैसे ही मंदिर के अंदर आए तो संध्या आरती चल रही थी, जहां डिवोटीज बहुत ही सुंदर कीर्तन और डांस कर रहे थे। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इट वाज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा कुछ कीर्तन देखा था। और करीब 1 घंटे तक हम मंदिर में ही बैठे रहे और भक्तों का कीर्तन देखते रहे, बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर के अंदर हमने राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रमुग्ध कर देने वाले सुंदर दर्शन किए, और साथ ही उनकी अष्ट सखियां भी थी, जिन्हें बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था। मंदिर के अंदर आपको कुछ इस तरह के भोग प्रसाद भी मिल जाएंगे, आप चाहो तो अपने साथ ले जा सकते हैं। फिर और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरह की बहुत सारी शॉप्स की काउंटर्स मिल जाएंगी, जहां से आप टी शर्ट्स कुर्ता वगैरह ले सकते हैं, जिसपे बहुत सुंदर सुंदर बाल कृष्ण के प्रिंट्स थी और भी बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट्स थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। आज तक मैंने जितने भी इस्कॉन के मंदिर देखे हैं, लगभग सभी मंदिरों में आपको कुछ इस तरीके के शॉपिंग काउंटर्स मिल जाएंगे, जहां से आप कृष्ण भगवान से रिलेटेड कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। अगर आपको यहां कोई चीज़ पसंद आती है तो आप बेझिझक होके वो खरीद ले, क्योंकि यहां की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ऑथेंटिक होती है। यहाँ पे और भी बहुत से क्यूट क्यूट कृष्ण भगवान के टॉयज वगैरह भी थे। थोड़ी बहुत शॉपिंग तो मैंने भी की है यहाँ पे। मंदिर से आप लोग बाहर आएंगे तो आपको यहाँ एक म्यूजियम भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको कई पेंटिंग और मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन की विभिन्न लीलाओं को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह दृश्य है वैकुंठ लोक का, जहाँ भगवान विष्णु अनंत शेष की सैया पर लेटे हुए हैं और साथ में माँ लक्ष्मी और ब्रह्मा जी भी हैं। फिर उसके बाद यहाँ भगवान श्री कृष्ण वकासुर का संहार कर रहे हैं। यहाँ कृष्ण भगवान राधा रानी और उनकी अष्ट सखियों के साथ दिखाई दे रहे हैं।
यह है प्रभु श्री राम जी का राम दरबार, जहाँ पे वह अपने भाई लक्ष्मण, माँ सीता और हनुमान जी के साथ दिखाई दे रहे हैं। और साइड में ये जो दो विग्रह आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें से एक है श्री कृष्ण भगवान और दूसरी है बलराम जी की, क्योंकि ये यहाँ पे ये दिखाया गया है कि बाद में आगे चलकर द्वापर युग में प्रभु श्री राम श्री कृष्ण अवतार लेते हैं और लक्ष्मण उनके बड़े भाई बलराम के रूप में आते हैं। फिर यहाँ पे यह पंचतत्व को दिखाया गया है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शामिल है। हमारा शरीर पंचतत्व से मिलकर बना है जिसमें से हम सब बने हैं और बाद में आगे चलकर हम सब इन्हीं में विलीन हो जाने वाले हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाए हुए हैं और सभी गोकुल निवासी इस पर्वत के नीचे आकर खड़े हैं। करीब 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण का यह चमत्कार देखकर इंद्रदेव भयभीत हो गए और उन्होंने वर्षा बंद कर दी। यहाँ पर अजामिल की बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को डिपिक्ट किया गया है। जब मरने के आखिरी टाइम पे वह यमदूतों को देखता है तो डर के मारे अपने पुत्र को पुकारता है जिसका नाम नारायण होता है। नारायण नाम सुनते ही वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु अपने दूतों को उसे ले जाने के लिए भेज देते हैं। तब नारायण के दूत और यमदूतों के बीच बहुत डिस्कशन होता है कि इसे कौन लेके जाएगा। अंत में भगवान विष्णु स्वयं आते हैं और अजामिल को वैकुंठ लोक ले जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के अंत समय में उसने नारायण का नाम लिया था। इसके बाद आप लोग यहाँ पर नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद देते हुए देख सकते हैं और साथ में गणपति जी और भगवान शिव भी हैं। यहाँ पे जन्म और मृत्यु का चक्र दिखाया गया है कि किस तरह मनुष्य को 84 लाख जन्मों के बाद मनुष्य देह मिलता है और फिर इस प्रकार वह एक बालक रूप से गुजरते हुए वह एक वृद्ध अवस्था तक पहुँचता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। देन फिर से उसकी यही जर्नी जन्म और मृत्यु का चक्र फिर से शुरू हो जाता है। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को वासुदेव जी वृंदावन ले जा रहे हैं। इसी तरह के आपको यहाँ पे और भी बहुत से स्कल्पचर्स और मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी जिन्हें बड़ी ही सफाई और खूबसूरती से बनाए गए हैं, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं लाइटनिंग एंड ऑल। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अव्यभिचार नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हैं तो नरक में जाके आपके साथ क्या क्या हो सकता है, ये सब गरुण पुराण में भी मेंशन्ड है। तिरुपति में यह एक मस्ट विजिट प्लेस है। आप अगर तिरुपति आते हैं तो आप इस्कॉन टेंपल बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तिरुपति का इस्कॉन मंदिर दुनिया के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिरों में से भी एक जाना जाता है। तिरुपति में इस्कॉन मंदिर बनाने का विचार 1974 में तब आया जब शीला प्रभुपाद तिरुमला तिरुपति विजिट पे आए थे। तब वे इस जगह के स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए और फिर उन्होंने हर दिन लाखों भक्तों को आते देखकर उन्होंने तिरुपति को भगवद गीता और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में देखा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग टेंपल के बाहर आ गए थे और रात को भी यह मंदिर इतना खूबसूरत लग रहा था ये सब कलरफुल लाइट्स की वजह से। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा ये व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा।